हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की विज्ञान की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्य पत्रक 2 पढ़ेंगे। इसकी विषय वस्तु है जीवन की मूलभूत इकाई जो कि कोशिका होती है, पिछले कार्य पत्रक में हमने देखा था। और इसका अधिगम बिंदु है सजीव व निर्जीव में कोशिका के संदर्भ में अंतर स्पष्ट करना कि सजीवों में कोशिकाएँ होती हैं, निर्जीवों में नहीं होती। इस आधार पर हमें सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर करना। और संदर्भ है इसका कक्षा 8 का अध्याय 8। देखते हैं, इसका पहला प्रश्न है, आप इन चित्रों में से सजीव निर्जीव को छाट कर सारणीबद्ध कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सजीव हैं, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, तो ये भी सजीव हैं, ये भी सजीव हैं और ये भी सजीव हैं, बाकी सब निर्जीव हैं। तो ये नीचे सारणी में हमें भरने हैं, जो सजीव हैं उनके नाम इधर लिखने हैं और निर्जीवों के नाम यहाँ लिखने हैं। तो सजीव में एक तो मानव आ गया, ये पादप है, ये भी पादप है और ये गाय है, ये सारे सजीव हैं। बाकी जो बचे वो निर्जीव हैं, या आप स्वयं भर सकते हैं, ये निर्जीव हैं, ये निर्जीव हैं, ये निर्जीव हैं और ये निर्जीव हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में भी निम्न सारणी में से छांट कर लिखिए कि किनमें कोशिका उपस्थित है व किनमें नहीं है। जैसा कि हमें पता है सजीवों में कोशिका उपस्थित होती है और निर्जीवों में नहीं होती है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये भी सजीव है, बकरी भी सजीव है, आम का वृक्ष भी सजीव है, हाइड्रा भी सजीव है और जलकुंभ भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं तो इनके अंदर कोशिका उपस्थित होगी। तो कोशिका उपस्थित जिनमें हैं उनके नाम हमें इधर लिखने, जैसे कि अमीबा इसमें कोशिका है, फिर बकरी इसमें भी कोशिका है, फिर आम का वृक्ष इसमें भी कोशिका है, फिर हाइड्रा इसमें भी कोशिका है और जलकुंभी। इसमें भी कोशिकाएं होती हैं, बाकी जो बचे उनमें कोशिकाएं नहीं होती हैं तो उनके नाम सारणी में इधर भरने हैं। फिर तीसरा और अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही सरल है कि सजीव व निर्जीव में कोशिका की उपस्थिति के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने शुरू में भी बात की थी कि सजीवों में कोशिका उपस्थित होती हैं और निर्जीवों में नहीं होती है, तो सजीव में हम लिखेंगे कोशिका उपस्थित और निर्जीव के अंदर कोशिका अनुपस्थित। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक हमें हमारा पूरा हो गया है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि जो आपके मित्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उस वीडियो को देख कर उसका लाभ उठा सकें।